ईवी रेवोल्यूशन आज से एक साल पहले अनबिलीवेबल था, लेकिन अब ईवी पर लोगों का ट्रस्ट इस कदर बढ़ा है कि कंपनीज को अपनी हर बेस्ट आईसीई कार का इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में लाने पर मजबूर होना पड़ा है। टाटा और महिंद्रा जो इस मार्केट पर एक तरफा राज कर रहे थे, लेकिन अब 2023 में मारुति और अदर कंपनीज भी इस मार्केट में उतरने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम 2024 में लॉन्च होने वाली कुछ धमाकेदार अपकमिंग कार्स की बात करेंगे। उनकी सारी पॉसिबल डिटेल्स, प्राइस, लॉन्च डेट सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो में मारुति की भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसके रेंज, प्राइस सच में काफी शॉकिंग है। तो अगर आप 2024 में कार लेने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये ईवी राइड। नंबर 7 पर है टाटा कर्व ईवी, जो टाटा की तरफ से एक कूप इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। भाई ये स्टाइलिश कार जब सबसे पहले रिवील की गई थी तब से ये काफी चर्चा में है और इसका इंतजार भी बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा है। टाटा मोटर्स की तरफ से ये एसयूवी CIPL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स तो फिलहाल आउट नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें ऑफर किया जाएगा, जो 400 से 500 किलोमीटर तक की ऑसम रेंज इसको ऑफर करेगा। और भाई इतनी हाई रेंज टाटा की और कोई इलेक्ट्रिक कार अभी तक ऑफर नहीं कर पाई है। फीचर्स में आप ब्लैक्ड आउट रूफ, स्लीक कैमरास दैट एक्ट एज RVMs, स्प्लिट स्पॉयलर, LED टेल लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव मोड जैसे और भी बहुत से स्मार्ट फीचर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। अब इन सब के साथ ही 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस मामले में टाटा की कोई भी कार निराश नहीं करती है, क्योंकि सेफ्टी टाटा का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अब ये कार इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसकी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एकदम फर्स्ट इन क्लास होने वाली है और इसके जैसा कुछ अभी तक मार्केट में नहीं है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कार होने वाली है, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख के आसपास रखी जा सकती है और इसको 2024 के मिड मंथ तक मार्केट में उतारा जा सकता है। नंबर 6 पर है टाटा हैरियर ईवी। अब यार हैरियर नाम सुनते ही ना कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एसयूवी लवर की ये सबसे फेवरेट कार है और अब नए फेसलिफ्ट के बाद तो इसकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके इतने चर्चे हैं क्योंकि इसमें दम है, शानदार फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ जो मस्कुलर लुक क्लास इसमें मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब बहुत ही जल्द टाटा ये मसल और क्लास इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने वाले हैं। आई डोंट नो कंपनी क्या सोचती है, लेकिन कस्टमर्स को ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्जन में इस कार की वो पावर और पंच शायद खत्म हो जाएगा, तो टाटा को इलेक्ट्रिक वर्जन में पावर का खास ख्याल इसमें रखना होगा। हैरियर इलेक्ट्रिक में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 60 किलोवाट आवर की बैटरी और ड्यूल मोटर इसमें दी जाएगी, जो लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक की शानदार रेंज ऑफर करेगी। सेफ्टी और फीचर्स भी इसमें बढ़िया मिलेंगे। ADAS, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले जैसे और भी बढ़िया फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब बहुत से लोग इसको इलेक्ट्रिक अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं और ये एक्साइटमेंट जून 2024 तक मार्केट में आने के बाद ही खत्म होगा। इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख रुपए है और बाकी तो इसके लॉन्च होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी EVX। अब तक सबको यही लग रहा था कि भारत के कस्टमर्स की बजट फ्रेंडली कार ब्रांड इलेक्ट्रिक मार्केट में कदम रखेगी भी या नहीं, लेकिन भाई इस साल ईवी रेवोल्यूशन में मारुति की भी एंट्री होने जा रही है EVX के साथ। ये इनकी पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी जिसको ये टोयोटा के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। अब देखो मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ी ब्रांड है और भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने कवर कर रखा है। काफी कार्स इनके मार्केट में आती है, तो इनसे हर कस्टमर को एक बढ़िया और बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार की उम्मीद है। अब तक की रिपोर्ट्स और डिटेल्स के हिसाब से देखें तो इस एसयूवी में दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, एक 60 किलोवाट आवर और दूसरा 48 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन, जिसमें 400 से 500 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज इसमें मिल जाएगी। अब भाई एवरेज में इनकी कार सबसे आगे है, तो रेंज में भी इन्हें अपनी कार्स को सबसे आगे रखना पड़ेगा। बाकी फीचर्स में यहाँ लार्ज टच स्क्रीन यूनिट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 2-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, ग्लोसी ब्लैक इंसर्ट, 360 डिग्री कैमरा जैसे और भी कई स्मार्ट फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। मारुति इसको 2024 के एंड तक लॉन्च कर सकती है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख रुपए है। तो भाई फाइनली मारुति ने भी ईवी की तरफ ध्यान दे दिया है और आने वाले कुछ टाइम के बाद मार्केट में ईवीज ही देखने को मिलेंगी। नंबर 4 पर है महिंद्रा XUV E8, जो XUV 700 पर बेस रहने वाली है। अब जहां टाटा ब्रांड न्यू ईवी और अपने पॉपुलर IC कार्स के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करके मार्केट में तगड़े पकड़ बना रहे हैं, वहीं महिंद्रा भी इस मामले में अब पीछे नहीं है। अब तक इनकी कोई ब्रांड न्यू ईवी तो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन अपनी पॉपुलर IC कार के इलेक्ट्रिक वर्जन से महिंद्रा ने भी इस मार्केट में कदम रख दिया है। भाई XUV E8 एक शानदार इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है, जैसा कि इसका IC वर्जन XUV 700 है। बताया जा रहा है कि इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, एक 60 किलोवाट आवर और दूसरा 80 किलोवाट आवर, जो लगभग 450 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करेंगे। ड्यूल मोटर सेटअप, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन इसमें दिया जाएगा और इसको महिंद्रा के नए इंग्लो ईवी प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जाएगा। सेफ्टी और फीचर्स की इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी, जैसा कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयरबैग्स, ABS VDBD, इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप, कनेक्टेड कार टेक, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ जैसे और भी बहुत से शानदार और स्मार्ट फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस एसयूवी को महिंद्रा नेक्स्ट ईयर मिड में लॉन्च कर सकती है। ये महिंद्रा की सबसे प्रीमियम कार्स में से एक होगी और इसीलिए इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 30 लाख रुपए के आसपास है।
नंबर तीन पर है Hyundai Creta EV। मारुति के बाद या कहें मारुति के बराबर इंडियन कस्टमर्स Hyundai पर ट्रस्ट करते हैं और इस ब्रांड को पसंद भी करते हैं। Creta तो इनकी सबसे पॉपुलर SUV है और भारत की सबसे टॉप सेलिंग SUVs में से इसका नाम आता है, तो इसके इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। अब ये Hyundai की कोई पहली इलेक्ट्रिक कार नहीं है, क्योंकि Hyundai ने बाप लेवल ईवी आइकोनिक 5 के साथ मार्केट में एंट्री मारी थी और मेरे हिसाब से ये अब तक की सबसे प्रीमियम ईवीज में से एक है। अब देखो, Creta EV के ज्यादा डिटेल्स आउट नहीं हुई है, लेकिन इसके IC वेरिएंट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेंगी। लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज तो इस SUV में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में आने वाली सभी इलेक्ट्रिक SUV 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर रही है। इसके IC वेरिएंट से थोड़ा अलग डिजाइन ईवी में दिया जाएगा, बाकी ये सेम उसी पर बेस्ड रहने वाली है। फीचर्स में आप फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा व्यू, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट, पैनोरमिक सनरूफ, ऑल LED एक्सटीरियर लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे और भी कई स्मार्ट फीचर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। इसको 2024 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख रुपए के आसपास है। तो Creta लवर्स, तैयार हो जाइए, आपकी फेवरेट SUV अब इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आने वाली है। नंबर दो पर है Citroen EC3 Aircross। अब जहां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट अब एक मच्छी बाजार की तरह हो गया है, क्योंकि बहुत सारी नई कंपनीज इस मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर मार्केट में Citroen एकमात्र नया ब्रांड है जो टिक कर अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। इनकी पहली कार Citroen EC3 को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इसके लॉन्च के 6 महीने बाद ही कंपनी के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ ईवी मार्केट में घुसी और अब बहुत ही जल्द अपनी एक और ईवी को लॉन्च करने वाली है। एक नई ब्रांड होने के बाद भी ये कंपनी बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रही है। इनकी ये नई ईवी C3 Aircross पर रहेगी और बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी अभी आउट नहीं हुई है और माना जा रहा है कि 40 किलोवाट का बैटरी बैक इसमें दिया जाएगा जो 300 से 400 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगा। ये एक 7-सीटर SUV होगी जिसमें 10.2 इंच हॉरिजॉन्टल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रूफ माउंटेड रियर AC वेंट्स, स्पॉटी 17 इंच अलॉय व्हील जैसे और भी बहुत से स्मार्ट फीचर्स इसमें ऑफर किए जा सकते हैं। इस SUV की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 से 17 लाख रुपए तक रखी जा सकती है और हम 2024 के एंड तक इसकी लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक कार्स में 7-सीटर SUV के बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऐसे में Citroen की ये EV अच्छा मार्केट कवर कर सकती है। नंबर एक पर है टाटा पंच EV। ये टाटा की भारत में फोर्थ इलेक्ट्रिक कार होगी। टाटा ने इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में सबसे पहले एंट्री ली और अब ये इस रेस में इतना आगे निकल चुकी है कि कोई और कंपनी शायद इसे चेज करने की हालत में भी नहीं है। टाटा पंच IC सेगमेंट की एक पॉपुलर माइक्रो SUV कार है जो बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक अवतार में भी देखने को मिलेगी। इसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। बढ़िया पावर ट्रेन्स और रेंज इसमें ऑफर की जा सकती है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स कंपनी ने फिलहाल आउट नहीं की है, लेकिन लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज इस EV से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया सेफ्टी रेटिंग्स और शानदार फीचर भी इस कार में ऑफर किए जाएंगे। लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे और भी बहुत से स्मार्ट फीचर्स इस EV में दिए जाने हैं। इसको 2023 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब लगता है कि इसको टाटा 2024 के स्टार्टिंग मंथ में ही लॉन्च करेगा, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख रुपए है। अगर ये EV इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुई तो एकदम बवाल मचा देगी और खुद टाटा की बाकी इलेक्ट्रिक कार्स को भी शायद ये पीछे छोड़ दे। अब इसकी रियल प्राइस क्या होगी ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये है 7 बेस्ट EV जो 2024 में लॉन्च होने वाली है और मार्केट को एक नई दिशा देने वाली है। अब इनमें से आप किस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कमेंट्स में सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक और स्कूटर की सबसे बेस्ट लिस्ट और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऑटो एक्सपर्ट्स के साथ। इलेक्ट्रिक कार नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें, बेस्ट स्कूटर चूज करने में हेल्प होगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।